देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, गाइडलाइंस वगैरह अगर आपको देखनी है तो, ठीक है। बाकी ऐसे तो कुछ मिलता है, अगर आपको ऑफ़ करना है तो वापस यहाँ से आपको क्लिक करके ऑफ़ करना पड़ेगा, कार ऑटोमेटिकली इंजन से बैटरी पे स्वाइप हो जाएगा। तो वैसे कुछ इसका हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है और ये 1.3 लीटर इंजन के साथ आता है, जो कि पावर वगैरह जो डिटेल्स है वो मैं आगे जब इंजन की तरफ, आपको ग्रेइश सी स्कर्टिंग मिल जाती है, सेटिन ग्रेइश पता नहीं ऐसे कुछ ग्रेइश आ जाता है यहाँ पर, आप मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है यहाँ पर, आपको हॉर्न की प्लेसिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर बताया, ठीक है। ब्लैक एंड बीज कलर का थोड़ा वो रखा गया है, ऊपर जो पार्ट है वो सारा बीज में है, नीचे वाले ब्लैक में है। और स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे दोनों साइड, अब देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपके सामने ये देख सकते हैं ग्रैंड विटारा का ये हाइब्रिड वेरियंट है, जो मतलब दो वेरियंट के साथ ही आती है, अगर आप लोगों को बताओ, दो इंजन वेरियंट के साथ, मतलब दो इंजन स्पेक्स के साथ। एक आती है 1.5 नॉर्मल हाइब्रिड जो मारुति का खुद है, और एक ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो माइल्ड हाइब्रिड बोलते हैं उसको, मारुति मतलब उसमें बैटरी तो रहती है, वो एक तरह से एक तो टॉर्क असिस्ट और अपना मतलब रेंज वगैरह के लिए हेल्प करती है वो, और कई जो नॉर्मल हाइब्रिड सिस्टम के लिए काम करती है, और ये कंप्लीट हाइब्रिड है। जैसे कंप्लीट हाइब्रिड का जो सिस्टम है ना, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपको, स्विच कहाँ है इसका, ये रहा स्विच, ये देख सकते हैं आप, ये सारा आपका बैटरी सिस्टम लगा रहता है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस बहुत ज़्यादा, आपको बूट स्पेस की दिक्कत होगी इसमें, बट ये है कि आपको सारा ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ये बैटरी सेटअप सारा यहाँ पे मिलता है। इससे ये रहेगा आपको, जब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है कि जैसे आपका आप बैटरी चार्ज है, चलते चलते बैटरी चार्ज होती रहेगी, जैसे बैटरी चार्ज होगी तो उसके बाद जैसे 50% या 60% के आसपास आ जाएगी तो कार ऑटोमेटिकली इंजन से बैटरी पर स्वाइप हो जाएगा। तो वैसे कुछ इसका हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है और ये 1.3 लीटर इंजन के साथ आता है, जो कि पावर वगैरह जो डिटेल्स है वो मैं आगे जब इंजन बे की तरफ चलेंगे तब बताऊंगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है अपने ग्रैंड विटारा का अल्फा प्लस। अब जो इन्होंने मतलब मारुति ने क्या किया है, जो कि प्लस प्लस है, जीटा प्लस और अल्फा प्लस दो वेरियंट्स आते हैं, जो कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आते हैं, और जो नॉर्मल जीटा और अल्फा है वो आपके नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड के साथ आते हैं। तो मतलब आप लोग ये मत जज करिएगा, जैसे कोई लोग हैं कि ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि अल्फा प्लस, अल्फा, जीटा प्लस, जीटा, इसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस यह है इस बैजिंग का, और वो जो आपको मैंने अभी स्पेसिफिकेशन जो बैटरी का बताया है वो उसका, वो माइल नॉर्मल जीटा और अल्फा जो होगी वो आएगी आपकी माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ, और ये आएगी आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ, ठीक है। तो ऐसे से कुछ गाड़ी है, वाइट कलर में बहुत ही शानदार लग रही है, और जो इसकी हाई लेंथ वगैरह है वो ब्रेजर से ज़्यादा रखी गई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग विटारा का हम लोग टॉप मॉडल लें या फिर इसका हम लोग मिड वेरिएंट, ये जो मतलब अपना मैग्ना वगैरह, सॉरी मैग्ना बोलो डेल्टा वगैरह लें, तो भाई एनीवेज आपको ऊपर है कि आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि दोनों में इंजन वगैरह सेम ही आते हैं। अगर नॉर्मल उसी विटारा की बात करूँ, विटारा ब्रेजा की बात करूँ अगर नॉर्मल, तो उसमें आपको सेम 1.5 लीटर का जो इंजन आता है माइल्ड हाइब्रिड 1.5, ये 105 bhp के साथ वही आता है, और इसमें भी आपका जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है वो भी सेम आपका 105 bhp के साथ ही आता है। बट जो इसमें ही आपको सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपके आपको जब इंजन में खोलूँगा तब आपको सारे इसका इंजन डिटेल्स बताऊँगा। बाकी अगर लुक की बात करो तो वाइट ये आपका देख सकते हैं, पर्ल वाइट आता है, पर्ल वाइट ये कलर है। बाकी अगर मैं अगर ओपन करके दिखाऊं तो ऐसे से कुछ इसकी DRL है, जो आपको इंडिकेटर के साथ चलते हैं। अगर मैं आपको एक बार DRL जला के दिखाऊं, हल्का सा नहीं जले, लाइट्स ऑन और इंडिकेटर्स भी ऑन, एक इंडिकेटर भी ऑन कर देता है। ऐसे से कुछ आप देख सकते हैं DRL जल चुकी हैं, और यही DRL जो है इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ही DRL जल चुकी है, तीन स्ट्रिप में DRL दे रखे हैं, और नीचे की तरफ आपको वो मिल जाता है BI-LED प्रोजेक्ट हेडलाइट मिल जाते हैं, जो हाई बीम लो बीम दोनों का यही काम करता है, और ये भी LED सेटअप के साथ आता है। बट इसमें जो ये हेडलाइट सेटअप है इतना नीचे की तरफ रखा गया है ना इस कार के, कि आपको यहाँ पे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं आता है, फॉग लैंप भी कोई भी इंटीग्रेशन सामने आप नहीं देख सकते, कोई भी फॉग लैंप आपको नहीं मिलता है इसमें। ग्रैंड विटारा की बैजिंग आ जाती है। बाकी ये नंबर प्लेट की होल्डिंग है, अगर यहाँ पे जैसे वैसे तो यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं है, अभी गाड़ी शोरूम पे खड़ी है इन डिस्प्ले,
तो ग्रैंड विटारा की बैजिंग लगा रखी है। बाकी अगर नीचे की इससे बाद वाइट से कुछ बम्पर मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको ग्रेइश सी स्कर्टिंग मिल जाती है, सेटिन ग्रेइश है, पता नहीं ऐसे कुछ ग्रेइश आ जाता है। यहाँ पर आप मैट ब्लैक फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको पूरा दे सकते हैं सिल्वर, आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है सारा क्रोम का। बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो और सुजुकी के लोगो के नीचे ये छुपा सा कैमरा, आप इस कैमरे से मतलब समझ गए होंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, जो कि अगर मैं जब अंदर की तरफ जाऊंगा तो आपको सारा सिस्टम उसका बताऊंगा। बाकी पूरा ये सिस्टम आता है। यहाँ पे थोड़ा सा पियानो ब्लैक आता है और सुजुकी के बॉर्डर्स में भी पियानो ब्लैक थोड़ा थोड़ा आता है। और ये बड़ी बड़ी सी ग्रिल आती है पूरी पियानो ब्लैक के साथ। यहाँ पे थोड़ी कवरिंग कर रखी है कि रेडिएटर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए साइड में से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आधे से तीन ब्लॉक्स के अंदर सीधा सीधे फिजिबल है जितने भी रेडिएटर का पार्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे टॉइंग हुक का आपको प्लेसिंग मिल जाती है। यहाँ पे नीचे से यहाँ पे जो स्कर्टिंग के बाद यहाँ पे आपको प्यारा पियानो फिनिश मिल जाती है पूरी, आपको पूरी बॉडी लाइनिंग में आपको पियानो बैक फिनिशिंग मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हैं। बाकी अगर इसके साइड की तरफ चलते हैं तो साइड में आपको यहाँ पे अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं, 215/60/R17 प्रोफाइल के टायर्स मिल जाते हैं। अपोलो एप्टेरा टायर्स हैं ये, काफ़ी अच्छी विड्थ रखी गई है और साइज़ भी अच्छा रखा गया है। और एक और चीज़ अच्छी बात है ग्रैंड विटारा के अंदर कि अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो उसमें भी आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, और आपको टॉप मॉडल लेंगे तो भी आपको 17 इंच की व्हील्स ही मिलेंगे, ठीक है। आपको व्हील साइज़ आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दूसरी तरफ भी आपको साइज़ यही मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, स्वाइपिंग नहीं है, नॉर्मली है। बाकी यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा एक और मिल जाता है साइड व्यू के लिए। बाकी ऐसे कुछ यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, सिल्वर पूरी बॉडी लाइनिंग मिल जाती है। यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का आपको ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर मिल जाता है। सी पिलर में जाके थोड़ा सा यहाँ पे क्रोम का फिनिश मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, दोनों साइड मिलते हैं आपको, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी, दोनों साइड मिलते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ है आपको नीचे का आपको मैंने दिखाई दिया, बॉडी लाइनिंग पूरी आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगी पूरी। बाकी पीछे की तरफ आपको वही सेम टायर, बट एक और चीज़ अच्छी बात है इसमें पूरा बेस मेंटेनेंस से ही आपको फ्रंट में तो रियर डिस्क ब्रेक मिलता ही है, आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, वो अच्छी है बात रखी गई है। और जो इसका प्लेटफॉर्म है वही आपका जो पहले एस्क्रॉस आती थी उसी प्लेटफॉर्म पर उसी की साइज़ में बनी हुई है, ठीक है। वो आपको साइज़ लेंथ वेंथ सब आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, उसी के प्लेटफॉर्म बनी हुई है। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि वही उसी के प्लेटफॉर्म पे आपकी ब्रेज़ा, जो पुरानी वाली ब्रेज़ा थी वो भी बनी हुई थी, अभी वाली ब्रेज़ा वो भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है। अब देखते हैं कि उसकी तरह ही, क्योंकि ब्रेज़ा भी 4 स्टार लेके आई थी और जहाँ तक एक्सक्रॉस भी 4 स्टार ही थी, तो अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि अभी तक ये गोबर एनकैप में टेस्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे गोबर एनकैप में ये टेस्ट होगी तो बता पाएंगे हम लोग कि ये आपके 4 स्टार या 5 स्टार क्या लेके आती है। मिनिमम मेरे हिसाब से तो 4 स्टार तो लानी चाहिए, और 4 स्टार से ज़्यादा चाहिए भी नहीं आज के टाइम में मारुति की कार से। इंडियन लोगों को 4 स्टार से ज़्यादा उनको चाहिए भी नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे कुछ लुक है। अब एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, फिर आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको छोटा सा रूफ रेल मिल जाता है, फंक्शनल नहीं है बट हाँ आपको मिल जाता है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सिल्वर फिनिश के साथ आता है। बाकी एक बार पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे टॉप मॉडल है अल्फा प्लस, तो आप यहाँ रिवर डिफोगर वाइपर वॉशर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सारे से वॉशर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, हाई अमाउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। ऊपर आपको देखते हैं तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, छोटा सा रूफ रेल है ये, छोटू सा दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बड़ी सी आपको लाइट मिल जाती है, अगर मैं लाइट जला के दिखाऊँ, लाइट मैंने ऑफ कर दी है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपको यहाँ से लेके वहाँ तक लाइट, जस्ट ये छोटा सा पार्ट छोड़ के पूरी लाइट एक दूसरे से उससे कनेक्ट करती है। मतलब आपको कंपनी वाले अब ये बोल रहे हैं कि आपको अब टोलबाग जाके कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है आप अपना कंपनी से हम लोग आपको करके दे रहे हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हमें पे करो और वारंटी अपनी मत ख़राब करो, सीधी सी बात। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की बड़ी सी बजिंग मिल जाएगी, बोल्ड सी, यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाएगा यहाँ पर आपको, बट ये है कि आपको इंडिकेटर और जो रियर लैंप है वो आपको एलोजन ही मिलेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर दी है बट ये थोड़ा गलत है। अगर मारुति ने इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी बनाई है, इतनी कॉस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये जो ये गाड़ी है अल्फा प्लस, ये अप्रोक्स 22 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ रही है आज के टाइम पे, जो भी प्राइसिंग है जीटा प्लस और अल्फा प्लस की, हाइब्रिड वाले की सिर्फ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो उसमें थोड़ा एलईडी दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है ये, और अब आपको इंडिकेटर और जो रेयर लैंप है वो आपको हेलोजन में मिलता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं नीचे तरफ आप देख सकते हैं, बाकी नीचे आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1 2 3 और एक चार, इस साइड चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे नीचे आपको नंबर प्लेट की होर्डिंग मिल जाती है, नीचे आपको वही ग्रेज का फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश मिलता है, यहाँ पे नीचे ग्रेज का फिनिश मिल जाता है, ऐसे कुछ इसका वो है लुक है। बाकी एक बार अंदर की तरफ चलते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिल जाता है अल्फा प्लस के अंदर टॉप मॉडल में, सीधी सी बात। ठीक है, अब जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको आपको लेदर फिनिश मिल जाता है पूरा का पूरा, यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलता है, यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे स्विच कंट्रोल्स वही पुराने स्विफ्ट वाले जो आपके स्विच कंट्रोल्स है वही मिल जाते हैं, यहाँ पे ड्राइवर साइड और टॉप डाउन मिल जाता है, बाकी सारे आपको नॉर्मल मिलते हैं, लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है, यहाँ पे ये जो आपका ORVM है उसका वो मिल जाता है कंट्रोल करने का, और यहाँ से आप उनको वो भी कर सकते हो ऑटोमेटिकली वो कर सकते हो, अभी गाड़ी जैसे स्टार्ट नहीं है वैसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तब ये काम करने लगेगा ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट और ओपन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको वो ट्विटर की प्लेसिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पे वन लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है रखने के लिए सामान। बाकी एक बार अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अंदर की तरफ चलते हुए यहाँ पे आपको लेदराइट सीट्स मिल जाती है, लेदराइट सीट्स के साथ ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है पूरी की पूरी वेंटिलेटेड, आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको स्विच मिल जाता है, ये पूरी वेंटिलेटेड सीट्स है पूरी और लेदराइट विद वेंटिलेटेड सीट्स है, प्लस आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे SRS एयरबैग्स। ठीक है, यहाँ पे तो एयरबैग्स मिलते ही हैं, यहाँ पे एयरबैग्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं फिर सारी बात करता हूँ। आपकी की कहाँ रख दी मैंने, ये देखी, अब एक बार अंदर की तरफ चलते फिर बात करते हैं। ठीक है, अभी अंदर की तरफ हम आ चुके हैं, अब आप देख सकते हैं वही आपका रेगुलर स्टीयरिंग मिल जाता है बिल्कुल वो सर्कल शेप में, यहाँ पे वही आपका रेगुलर कॉल ये MID से रिलेटेड कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड वॉइस कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे मीडिया से रिलेटेड मिल जाते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये इतनी बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है 7 इंच की, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये आपको 7 इंच की कुछ डिस्प्ले मिल जाती है, सीट थोड़ी आगे करके फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, 7 इंच की कुछ डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, स्विच कहाँ है इसका, ऐसे से कुछ ऐसे पूरी है डिस्प्ले स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर गेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारा बैटरी से रिलेटेड पावर मोड इको मोड्स, यहाँ पे आपको चार्जिंग मोड सब दिख जाता है, यहाँ पे बड़ा सा आपको डिस्प्ले मिल जाता है 7 इंची का जिसमें आपको स्पीडोमीटर पूरा ये सारा डिजिटल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको होल्ड अगर आप ओके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे लो फ्यूल दिखा रहेगी वो आपके डिस्प्ले का आ रहा है तो फ्यूल वगैरह कम ही रहता है ज़्यादातर, बाकी ये आपका इग्निशन स्विच ऑन करने के लिए दिखा रहा है, ब्रेक दबाएँ और इग्निशन स्विच ऑन करें, लो फ्यूल ये सब चीज़ दिखा रहा है। बाकी अगर मैं इसी से करूँ यहाँ पे आपको जो ये स्विच मिल जाते हैं यहाँ पे आपको MID से रिलेटेड स्विच मिल जाता है, बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स का मिल जाता है, इसलिए अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है, अगर ये फ्यूल इकोनॉमी आपको रिसेट करनी है फ्यूल वगैरह आपने डलवाया टैंक फुल कराया उसके बाद आपको टेस्ट करना है तो उसका मिल जाता है, बाकी टेम्परेचर का मिल जाता है, टेम्परेचर यूनिट आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए सेल्सियस में चाहिए, बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर मोड मिल जाता है, फर्क पार्किंग सेंसर अगर आपको बंद करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, डोर लॉक ऑप्शन मिल जाता है, लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, गाइड मी लाइट मिल जाता है, एंटी थेफ्ट, ये सारे ऑप्शन आपको TPMS भी मिलता है आपको कि कितने कौन कौन से टायर में कितने आपके वो एयर प्रेशर है उसका ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले आइटम डिस्प्ले में आपको अगर कुछ चेंज करनी है एनिमेशन को चेंज करना वो मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले अगर मैं अगर करूँ यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले के यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, ये रहा जैसे ये दबाऊँगा तो आपका ये ऊपर ये हेड्स अप डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, अभी होगी नहीं रहा, पता नहीं अभी सर स्टार्ट नहीं किया मैंने इसलिए अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी शिफ्ट लॉक कॉक लॉक ये सब आपका एयर कंडीशनिंग वगैरह इन सब का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं,
और यहाँ पे आपको जायरोस्कोप भी मिल जाता है मोशन के हिसाब से। यहाँ पे आपको बैटरी का सिस्टम मिलेगा कि बैटरी में भी कितनी चार्ज है नहीं है, अभी बैटरी से चल रही, इंजन से चल रही, सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑडो में 46 किलोमीटर से दिखा रहा है, ANB, ट्रिप ए ट्रिप बी में कितनी चली वो दिखा रहा है। बाकी ये सभी ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी ये आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑटोमेटिक के साथ ही आती है, ECVT बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक CVT। तो इसलिए अभी ये पार्किंग मोड में है तो पार्किंग मोड दिखा रहा है, बाकी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। बाकी यहाँ पे टेल टेल लैम्प्स मिल जाती है, यहाँ पे थोड़े थोड़े टेल टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिक वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, रेयर का भी फ्रंट का भी, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ की तरफ देखते हो तो ये यहाँ पे वो 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा का, अगर आप दिखाऊँ तो मैं, ये रहा 360 व्यू। अगर मैं 360 व्यू क्लिक करूँगा तो देखिए आपने ये देख सकते हैं कि गाड़ी के साथ में क्या क्या है वो सारा चीज़ दिखा रहा है ये। अगर मैं इसे वापस स्विच दबाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ऐसे कुछ ये चालू हो जाती है। एक बार मैं ऐसे ऊपर से क्लिक करूँगा तो ये ऊपर से ऐसे चालू हो जाएगी, चारों तरफ गाड़ी के क्या क्या है वहाँ पे, चेयर वगैरह है मेरे इस साइड में आप देख सकते हैं, तो ये सारा चीज़ क्लियरली दिखा रहा है। और वह और ये ब्रेजा की वो दिखा रहा है, ब्रांडिंग दिखा रहा है, ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, गाइडलाइंस वगैरह अगर आपको देखनी है तो, ठीक है। बाकी ऐसे तो कुछ मिलता है, अगर आपको ऑफ़ करना है तो वापस यहाँ से आपको क्लिक करके ऑफ़ करना पड़ेगा, या तो अगर आप नॉर्मली आगे फ्रंट पे चलेंगे तो आपको दिखा देगा अभी। बाकी नॉर्मली यहाँ पे एवरेज इतना दिखते को मिलता नहीं है शोरूम कार्स पे, बट ये 14 दिखा रहा है, मतलब ये हाइब्रिड है तो दिखा रहा है भाई। ऊपर से अभी एक चैनल है, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, उन्होंने इसका टेस्ट किया है, माइलेज टेस्ट, जो कि मतलब दिल्ली टू मुंबई ऑन अ वन टैंक लेके गए हैं भाई। वो वीडियो देख के लिटरली मज़ा ही आ गया, इतना बढ़िया माइलेज दिया है, मतलब दिल्ली टू मुंबई अप्रोक्स अप्रोक्स 2200 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल टैंक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी वो चीज़ माना गया है, बहुत बढ़िया चीज़ रखी गई है। बाकी अगर मैं इसके साइड में चलूँ, ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा हेड लेदर का। बाकी ये आपको ब्लॉक्स ग्लव बॉक्स मिल जाता है, थोड़ा छोटको सा ही, छोटको पोटको सा है, ज़्यादा कुछ डीप नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का दोनों साइड मिलता है, EV मोड का ऑप्शन मिल जाता है, पावर मोड का ऑप्शन, यहाँ पे ड्राइव मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ड्राइव मोड के तरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पावर मोड मिल दिख रहा होगा, मैं आपका क्लिक करूँ तो ये आपका नॉर्मल मोड हो गया, इको मोड हो गया, इको मोड के बाद ये आपका नॉर्मल मोड हो गया, ठीक है। पावर, इको, नॉर्मल, ये चार मोड्स आते हैं इसमें। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ आपको वो मिल जाता है, ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, गियर बॉक्स। बाकी यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, आपको अपना वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच मिल जाता है, नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाऊँ तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है इधर, कैसे दिखाऊँ, हाँ ये रहा, थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है, हाँ अब दिखना चाहिए, लाइटिंग की थोड़ी कमी भाई हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे USB का स्विच मिल जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक IRVM मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे आपको हाँ लाइट विथ मिरर मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको सेम लाइट विथ मिरर मिल जाता है मेरे ख्याल से तो, हाँ सेम, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ इसका सनरूफ है, बट सनरूफ का ये सन ब्लाइंड मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ ज़्यादा ही कपड़े सा है, बिल्कुल ही आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हल्का है ये, थोड़ा इतना अगर आप 20-22 लाख रुपये ले रहे हैं तो आपको देना चाहिए था अच्छा। बाकी आप डिस्प्ले की बात कर ले तो 9 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है आपको, यहाँ पे सारा आपको जो टच बटन से मतलब जो भी बटन से वो आपको टच में मिलते हैं, ये थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा आपको इसमें हार्ड मतलब मिलना चाहिए था आपको स्विच अच्छा था। बाकी यहाँ पे होम बटन का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे कॉल्स, यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे वॉइस कंट्रोल, यहाँ पे ऑफ ऑन करने का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लॉक आता है, यहाँ पे कनेक्ट करना ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे पेड डिवाइस आता है, यहाँ पे फेवरेट्स, यहाँ पे प्लीज़ कनेक्ट अ फोन मतलब ऐसे एंड्रॉयड ऑटो वगैरह के लिए, यहाँ पे एम्बियंस जो वो वॉइस का वो है, वॉइस बोल रहा हूँ म्यूज़िक का जो एम्बियंस है उसको किस टाइप में रखा गया वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, यहाँ पे आपको रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे सेटिंग वगैरह दिखा रहा है, सेटिंग में क्या क्या था, डिस्प्ले, टाइम, डेट, लैंग्वेज, ये सब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको देखते हैं अगर वो म्यूज़िक में प्रीमियम साउंड, बैलेंसर, फीडर, इक्वलाइजर, वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीड सिस्टम, BEP वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता है। बाकी फ़ोन का कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, कनेक्टिविटी का,
सारा कुछ यहाँ पे पेड डिवाइस, फ़ोन, वाईफाई, वाईफाई सेटिंग, वाईफाई से भी मतलब यहाँ पे आपको वायरलेसली आप यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो ऐप का प्ले भी इस गाड़ी में आता है, तो वहाँ उसके लिए ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कार के नोटिफिकेशन, अलर्ट्स वगैरह कैसे आने, वो सब का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे देखते हैं तो और कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है, बस इतना सही है। जब आपको फ़ोन कनेक्ट कर लेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। बाकी यहाँ पे अगर एसी का अगर डेस्क देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पाइनो फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेवल मिल जाता है कि कितना आपको फ़ैन स्पीड रखना है, नहीं रखना है, कम ज़्यादा करने का। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है, ब्लू कलर का है क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है तो इसलिए ब्लू कलर का है। नॉर्मल वाले में आपको ब्लैक कलर मिलेगा, और नॉर्मल वाले में आपको जो ये वाला पार्ट है, जो ये थोड़ा इंटीरियर वाला पार्ट है, ये थोड़ा आपको ब्राउनिश को चॉकलेट कलर का मिलेगा। बाकी अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो हेड्सअप डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये किस चीज़ के लिए, ये आपको लाइटिंग वाले का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको रेयर 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल मिल जाता है। बाकी ऐसे से कुछ है, अगर मैं अभी देखूँ तो मैं अपने हिसाब से अगर सीट को मैंने कर लिया है, सेट किया कर लिया है, हाइट वाइट जो भी है, हाइट तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि मेरा हेड आप देखे तो, अगर तो मेरा हेड तो सर पे थोड़ा छत पे टकरा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो मैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट मेरी है नहीं, 5-10 के आसपास है, बट मेरा फिर भी हेड में ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पे, शायद सनरूफ की वजह से, पता नहीं किस वजह से थोड़ा स्पेस मुझे कम लग रहा है। बाकी ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कर लिया, पीछे बैठ के देखते हैं कितना स्पेस मिलता है। और हाँ, यहाँ पे दो वो भी मिलता है, बोतल होल्डर और भी मिल जाता है, ये आपका वैसे तो आगे पीछे हो जाता है, बट हाँ इसमें थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है, चुटकू सा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। और यहाँ पे आपको हेलोजन लैम्प्स ही मिलते हैं, और सनरूफ कंट्रोल जहाँ मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। अब पीछे की तरफ चलते हैं, अब मैंने अपने हिसाब से वो ड्राइवर सीट एडजस्ट कर रखी है। अब मैं अगर यहाँ पे बैठूँ, ये भी सारे लेदर सीट्स आते हैं, यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स के माउंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वो मिल जाता है आर्मरेस्ट मिल जाता है विद दो कप होल्डर, तीनों के तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज़। बाकी अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, फिर सीट के स्पेस दिखाता हूँ। अब पीछे वाले सीट पर बैठने के बाद मेरा थोड़ा हेड रूम कम लग रहा है भाई, देखो बिल्कुल ही हेड रूम में स्पेस नहीं लग रहा मेरे को, बहुत स्पेस कम लग रहा है। बाकी लेग रूम बहुत है, इनफ है, देख सकते हैं आप, बहुत इजीली बैठा हूँ। थाई सपोर्ट में थोड़ी सी ठीक लगी है मेरे को, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, ठीक है, आपको खराब नहीं बोलूँगा। बाकी यहाँ पे बड़ा सा पार्सल शेल्फ मिल जाता है, स्पेस अच्छा खासा है, अगर मैं अपने बैठने के बाद भी आप देखो तो बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आपको, स्पेस वगैरह की दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा हम्प थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि ट्रांसमिशन यहाँ से गया हुआ है और बैटरी का सिस्टम भी यहाँ से गया हुआ है, थोड़ा हम्प ऊंचा है तो उससे आप बेयर कर लेना। बाकी यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको लेदराइट फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम की हैंडल बार्स मिल जाते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, ठीक है। ब्लैक एंड बीज कलर का थोड़ा वो रखा गया है, ऊपर जो पार्ट है वो सारा बीज में है, नीचे वाले ब्लैक में है। और स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे दोनों साइड, अब देख सकते हैं दोनों साइड आपको स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, और जैसे आगे की तरफ लाइट आपको हेलोजन मिली है तो यहाँ पे भी आपको लाइट हेलोजन ही मिलते हैं दोनों साइड में, क्योंकि सनरूफ है तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ सनरूफ मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हेड जो है आपका सीट बेल्ट के माउंट से वो यहाँ पे ऊपर आपको दिए गए हैं, पता ये सेंटर वाले के लिए, जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए, क्योंकि जो साइड वाले हैं उनके लिए तो यहाँ पे आते हैं, सो सेंटर पैसेंजर है उनके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सही है, अच्छा रखा गया है, स्पेस वगैरह ठीक है, बट थोड़ा हेड स्पेस में थोड़ा मुझे लगा कमी, बाकी सब ठीक है। बाकी एक बार आप बाहर की तरफ चलते हैं और आपको इंजन और जो साइज़ वगैरह है उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाते हैं आगे का बूट ओपन करने का, और यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने का, तो भी बूट ओपन करते हैं। आवाज़ तो अच्छी खासी आई है, अब लगता है शायद बिल्ड क्वालिटी अच्छी हुई होगी पहले के हिसाब से, तो पहले के हिसाब से क्या दूसरी मारुति की कार से, अगर वो भी ओपन करके देखते हैं। ओहो वेट तो है इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मारुति के हिसाब से तो बहुत अच्छा वेट है। मैं एक बार ये लगा लेते हैं उसके बाद आपके पास आते हैं। बाकी ऐसे तो कुछ इसका इंजन भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा आपको बैटरी का सिस्टम मिल जाता है, आपको देख सकते हैं सारे
वायरिंग मिल जाती है। ये बड़ा सा इंजन है 1.3 लीटर का जो टोयोटा सोच्ड है इन लोगों ने, मतलब टोयोटा और मारुति का भी मर्जिंग तो चल ही रहा है, क्योंकि टोयोटा की तरफ से अभी जो गाड़ी आई है अपना जी है टोयोटा हाई राइडर, टोयोटा हाई राइडर आई हुई है, और ये ब्रेजा, दोनों एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिकली ये दोनों गाड़ियाँ। तो अभी इन्होंने इस बार टोयोटा ने अपनी तरफ से एक इंजन भी निकाल दिया, क्योंकि उनके पास हाइब्रिड का ऑप्शन है, उनके पास पूरे रिसोर्सेज हाइब्रिड के लिए, तो वो इंजन निकाल के इन्होंने दिया है। बाकी अगर इसकी पावर वगैरह की बात करें तो ये ऐसा सा कुछ इसके इंजन पे है, जो इसका 1.3 लीटर का इंजन है वो आपको 116 बीएचपी पे निकालता है। अगर इंजन इंजन की बात करूँ तो वो तो सिर्फ आपको 1.3 लीटर का जो इंजन है, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो 92 बीएचपी ही निकालता है। बट बाकी के जो 24 बीएचपी है वो बैटरी से आपको सपोर्ट मिलता है, बैटरी की तरफ से आपको पावर मिलता है, तो जाके ये कंबाइंडली आपको 116 बीएचपी की पावर निकालता है ये, और 141 एनएम का टॉर्क निकालता है कंबाइंड, ठीक है, बैटरी सपोर्ट के साथ। बाकी ऐसा कुछ है आपका सारा कुछ सिस्टम, और जो क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है वो 27 के एमबीएल के आसपास है जो क्लेम दी गई है। बाकी यहाँ पे ऐसा सा कुछ इसका यहाँ पे वो मिल जाता है वॉइस के लिए, आपको मतलब आवाज़ वगैरह ज़्यादा ना आए उसके लिए मिल जाता है। अब इसको एक बार बंद कर लेते हैं, उसके बाद आपको साइज़ वगैरह बता देते हैं, क्योंकि अभी तक बाय वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई, एक बार साइज़ वगैरह का बता देते हैं, उसके बाद आपको मिलता है। बाकी अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 4315 mm की इसकी लेंथ मिलती है आपको, ये पूरी लेंथ जो है ये लेंथ आपको 4345 mm की मिलती है, 4345 mm की। जो विड्थ मिलती है आपको, जो ये विड्थ है, ये जो ये विड्थ है आपको 1795 mm की मिलती है, 1795। और जो आपको हाइट मिलती है 1645 mm की मिलती है, जो ये वाली आपकी हाइट है वो आपको 1645 mm की मिलती है, ठीक है। और आपको अगर व्हील बेस की बात करूँ तो 26 mm का व्हील बेस मिल जाता है। व्हील बेस अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने वैसे तो हर वीडियो में लगभग बता ही देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो व्हील बेस आपका होता है जो आपका सुजुकी का लोगो है, इससे इस लोगो के बीच का जो इस फ्रंट लोगो के बीच का, इसको व्हील बेस कहते हैं। 26 mm की व्हील बेस मिल जाती है, 2600 mm। उसके बाद अगर आपको टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो 4.5 मीटर की टर्निंग रेडियस बहुत बड़ी रखी गई है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको बताई दिया, 27 kmpl के आसपास इसकी ECVT निकाल देता है, जो क्लेम्ड माइलेज है। अब बाकी तो आप लोगों के ऊपर है कैसे निकालता है नहीं निकालता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 45 लीटर का मिल जाती है। सीटिंग कैपेसिटी आपको पता है 5 सीटर गाड़ी है तो 5 लीटर की मिलती है। जो कव वेट है इसका 1290 mm के आसपास, 90 किलो के आसपास मिल जाता है, वेट सही रखा गया है, कव वेट है ये। ग्रॉस वेट जो है वो 1755 mm का मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका ऑल ग्रिप वेरिएंट लेना है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो नॉर्मल हाइब्रिड जो है इसका माइल्ड हाइब्रिड उसी के साथ आता है, वो भी सिर्फ आपको अल्फा के साथ ही आएगा, जीटा वगैरह के साथ नहीं आएगा। मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल जो आपका क्या बोलते हैं नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड इंजन जो है उसी में आपका सिर्फ और सिर्फ वो मिल टॉप मॉडल में ही आपको सिर्फ ऑल ग्रिप का ऑप्शन आएगा, वो भी 4x4 नहीं है, वो ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव आता है वो ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो है नो आपको स्ट्रॉन्ग अगर हाइब्रिड लेना है तो वो आपको टू व्हील ड्राइव के साथ ही मिलेगा। बाकी इंजन वगैरह के बारे में आपको बता ही दिया है सारा कुछ। 373 लीटर का बूट्स जो अगर आप मैं आपको बात करूँ बूट स्पेस की, तो अगर आप नॉर्मल माइन हाइब्रिड इंजन लेते हैं तो उसमें बैटरी सेटअप जो है वो को पैसेंजर के नीचे रहता है, तो ज़्यादा बूट में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, तो उसका वो आ जाता है आपका बूट स्पेस 373 लीटर्स का। और अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं जिसका बैटरी सेटअप ही पीछे की तरफ है, अगर आपने मेरी वैसे तो वीडियो शायद नहीं देखी होगी, वो मेरी वीडियो ज़्यादा चली भी नहीं थी, जो होंडा सिटी HEV की, तो उसमें क्या था कि उसमें भी बैटरी सेटअप पीछे था, तो इसलिए उसका भी बूट स्पेस हट गया था, ख़राब हो गया था, और उसमें तो टायर भी छोटा रखा गया था, कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग की थी होंडा ने भी। तो इसका जो अगर बूट स्पेस जैसे आपको देखा ये आपने बूट स्पेस का छोटा सा ही है, अगर इस बूट स्पेस के साथ अगर मैं आपको मतलब इस बैटरी सेटअप के साथ अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको 273 लीटर्स का बूट स्पेस ही मिलता है, आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, तो मतलब बहुत 265 लीटर्स का ही मिलता है, करीब करीब 95 mm का आपका बूट स्पेस लीटर का बूट स्पेस आपका सारा बैटरी खा जाता है। तो बाकी ऐसे से कुछ गाड़ी है, अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई डिटेल वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो बता सकते हैं आप मेरे को। और अगर इस गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए, मतलब गाड़ी लेनी है, बुकिंग करानी है, कुछ भी है, तो आपको डिटेल्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग अभी है नेक्सा अपने ग्रेटर कैलाश दिल्ली में,
अगर इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ भी डिटेल चाहिए या अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है कुछ भी है शोरूम के बारे में डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्राइसिंग वगैरह जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की है जीटा प्लस और अल्फा प्लस की उसकी भी मैं मेंशन कर दूँगा नीचे उसमें। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को इतना रखता है। कुछ क्वेरी वगैरह हो कुछ हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम हैंडल में आप मुझे बता सकते हैं, नीचे आपको मेंशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर देना। अभी के वीडियो इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।